देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। और अम्मा हमें को बात बोले, आप अचकचाइएगा नहीं, हमको तो लग रहा है कि उस रात को जो आपके ऊपर हमला हुआ था ना, वह लड़की की थी। अगर हमें उस हमला करने वाले के बारे में पता चल गया ना, तो हम उस हमला करने वाले को जान से मार देंगे। चंद्रिका, ये उन लोगों की लिस्ट है जो माधव भैया, चित्रा भाभी और चंदा भाभी के मौत के जिम्मेदार हैं। नीला देवी, रुद्र नारायण, बलदेव। चाचा, ये बलदेव कौन है? बलदेव मम्मी का बहुत ही खास आदमी। जब माधव भैया का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी याददाश्त चली गई थी, और श्वेता को माधव भैया का पत्नी बताने लगी। ये देखो, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। माधव जी, और चंदा भाभी वो तो ठहरी भोली भाली, उनको पहली बोल दी कि माधव भैया के करीब ना जाए, नहीं तो उनके याददाश्त को असर पड़ेगा। खबरदार, जो माधव को शादी की कोनो बात याद दिलाई, यही वास्ते सिंदूर पोंच दो और ये जो मंगल तू ढकोसला पहना है, उतार के फेंक दो। मजी, सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा बोला कि उसकी जान को खतरा है, उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है काय। और इसी कारण से श्वेता माधव भैया के करीब और चंदा भाभी दूर हो गई। और चंदा भाभी को बोली कि अगर वो माधव भैया के करीब गई तो उनकी बची कुची याददाश्त भी चली जाएगी। और इसी डर से चंदा भाभी माधव भैया से दूर रहती थी और श्वेता उनके करीब। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है श्वेता, मालूम है तुम्हें? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं। और अंत में लाखन, ठीक है, हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे। हमारा पहला शिकार लाखन होगा। हम चलते हैं, हम आप लोगों को रात में मिलेंगे। ठीक, तुम चिंता मत करो चंद्रिका, हम शूटिंग आज रात से स्टार्ट कर देंगे। राइटर बाबू, इस पूरे कार्यक्रम में आप हमको अच्छे से असिस्ट करिएगा और अपना पहचान छुपा के ही रखना। आज रात को हम शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है चाचा जी। ठीक है। चंद्रिका, तुम्हारा हाथ इतना कड़क का है? खेत में कुदाल चलाती थी का? अरे नहीं अम्मा जी, बताए तो थे आपको कि हम बाउंसर थे।
लोगों की मार कुटाई का काम ज्यादा करते थे, इसलिए हाथ थोड़ा पत्थर का हो गया है। अब बड़े बड़े गुंडों को ठिकाने लगाने के लिए नाजुक लड़कियों वाला हाथ तो नहीं रख सकते ना। वैसे कुछ गलत लोगों को भी ठिकाने लगाने के लिए हम ठोकम पट्टी का काम भी अच्छे से जानते हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? हमारे घर में हमारी माँ है, हमारे पापा हैं, हमारे दादाजी हैं और चाचा और चाची भी हैं। और हाँ, हमारी एक दादी भी तो है। दादी का नाम सबसे बाद में काहे ली? वो क्या है ना अम्मा जी, हमारी दादी बहुत ही खराब औरत है। वो का है? अब छोड़िए ना अम्मा जी, सारी बातें आज ही बता देंगे क्या? धीरे धीरे बताएंगे। वैसे तुम रहने वाली कहाँ की हो? हम यही सासाराम के बाहर जो पकवा इनार है ना, उसमें ही एक। बोलो। अरे आप, वो जो लड़की उका नाम है उसका, चंद्रिका, उसका कुंडली निकलवाने के लिए बोली थी ना। हम सुन रहे माँ, हम उसके बारे में सब कुछ पता किए, कुछ नहीं पता चल रहा है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी नहीं मिला। अरे और तो और उसका जो मोबाइल नंबर है ना, वो किसी सुखदेव के नाम पर है। अम्मा अम्मा, हमारी बात को रिएक्ट किए बिना सुनिए, लड़की कहीं आपके आसपास में तो नहीं है? हम सुन रहे हैं, बोलो। हम समझ गए, आप चौकन्ना रहिएगा। और अम्मा, मेरे को बात बोले, आप अचकचाइएगा नहीं। हमको तो लग रहा है कि उस रात को जो आपके ऊपर हमला हुआ था ना, वही लड़की की थी। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से जल्दी पहुंच रहे हैं। बस आप सावधान रहिएगा, ठीक है अम्मा? बस अभी आए। वैसे अम्मा जी, हम सुने हैं कि हवेली में कोई घुस आया है, आपको इसका कुछ पता चला क्या कि आप पर कौन हमला करना चाहता है? मगर अम्मा जी, अगर हमें उस हमला करने वाले के बारे में पता चल गया ना, तो हम उस हमला करने वाले को जान से मार देंगे। तुम्हारे घर में माँ पापा है, चाचा चाची है, दादा दादी है, फिर भी तुम्हारे पास ना पैन कार्ड है ना आधार कार्ड है। ए लड़की, बोल बोल, कौन है तू? बोल। कौन है? हाँ अम्मा जी, आप पीछे हटिए, आप डरिए मत, हमारे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा।
संभाल के, बंदूक चल जाएगा, लग जाएगा। अम्मा जी आपकी गन संभालिए, हम दूसरों के गन नहीं चलाते। रुकिए अम्मा जी, आप मत जाइए, हो सकता है कि उस दुश्मन के हाथ में भी हथियार हो जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो हथियार तो हमारे हाथ में भी है। राखा अम्मा जी आवाज मत लगाइए वरना दुश्मन सतर्क हो जाएगा और हमें उसे पकड़ने में मुश्किल हो जाएगी। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आपकी जान को खतरा है, आप हमारे पीछे आइए, हम आपके साथ चलते हैं। अगर वो गोली चलाएगा तो सबसे पहले गोली हमें लगेगी और आपकी जान बच जाएगी। आप सामने मत आइएगा। लेकिन अगर गोली तुमको लग गया और तुमको कुछ हो गया तो फिर हमें अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी आधार या पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अम्मा जी सुनो लाखन, तुमको हम जैसा बोल रहे हैं एकदम वैसा ही करना। जब हम एक्शन बोलेंगे तो तुमको उस दरवाजे से उस दरवाजे की ओर दौड़ना है, समझ रहे हो? ठीक है, फेस रिवील नहीं होना चाहिए। रिवील का होता भैया? अरे फेस नहीं दिखना चाहिए बुद्धू, नहीं दिखेगा, समझे? चलो चलो हम जाएं। अरे जाओ। रोलिंग एन एक्शन। अरे मैया हो, अरे माई, अरे बाप, अरे माई, अरे माई, अरे मैडम, अरे मैडम भी तो सूटेगा ना, आप हमको तत्वबुद्धि का काम मार रही है। अरे माई वाह, ब्यूटीफुल, कितना रियल शॉट है, वाह। अरे अरे तो सूटेगा ना, तू हमको सचमुच का काहे मार रही हो? अरे मार, अरे मैया, अरे मैया। हे मैडम, इस शूटिंग चल रहा है ना, हम तुमको बच्ची समझ के छोड़ रहे हैं, तो तुम हमको ताकत दिखा रही हो? क्या हमारे पास ताकत नहीं है? दिखाएं ताकत हम तुमको, हाँ दिखाएं ताकत। बोल लाखन, बोतल कहाँ है? कौन सी बोतल? जिसमें हमारी माँ की आत्मा कैद है। माँ की आत्मा? कौन हो तुम? हम हमारे पापा माधव और हमारी माँ चित्रा की बेटी हैं। चित्रा की बेटी हैं। वाह, क्या नेचुरल शॉट दिया यार। बोल, तुम लोगों ने ही जलाया था ना हमारी माँ को? बोल, किसके कहने पर? बोल, अम्मा जी के कहने पर। फिर
फिर हमारी माँ की आत्मा का क्या किया तुम लोगों ने? बोल! तुम्हारी माँ की आत्मा एक बोतल में कैद है, एक बोतल में कैद है। अब कहाँ है वो बोतल? बोल! आपको नहीं पता कहाँ है? कैसे इस बारे में अम्माजी हम लोगों को कुछ नहीं बताती थी? वही छुपा के रखी है। नहीं पता, नहीं पता, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे? बोलो वो बोतल कहाँ है? बोल! लेकिन बिटिया हमको जिंदा मत छोड़ना। कैसे हम तुम्हारे माँ बाबूजी को मार रहे हैं? अगर हमको छोड़ दोगी हम तुम्हें भी मार देंगे, जैसे तुम्हारे माँ बाबूजी को मारे थे। मार दो हमको, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुमको, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वाह, क्या शॉट दिया है! अरे बॉलीवुड हॉलीवुड सबका एक्शन फेल है। अरे एक्शन डायरेक्टर का भी जरूरत नहीं पड़ा, अरे मुंह से खून का फब्बारा छूट रहा है, क्या बात है! अगर असली मर्द हो तो आओ हमारे पीछे और खत्म कर दो हमको। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वाह मजा आ गया, एकदम खून से लथपथ।